हाय, मैं ब्रिनी हूँ। मैं आप सबको आज एबनॉर्मल साइकोलॉजी यानी कि साइकोपैथोलॉजी के बारे में बताऊंगा। सो कम ऑन फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी। आज हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी के नेचर्स एंड डिफिनेशंस के बारे में जानेंगे, समझेंगे। एबनॉर्मल शब्द की उत्पत्ति एनोमेलस से हुई है। एनो का अर्थ नहीं, नॉट होता है, तथा मेलस का अर्थ नियमित, रेगुलर होता है। अतः एनोमेलस का अर्थ अनियमित, नॉट रेगुलर या इरेगुलर होता है। इस प्रकार असामान्य व्यवहार का तात्पर्य अनियमित व्यवहार है। कुछ विद्वानों ने एबनॉर्मल शब्द का विश्लेषण दूसरे ढंग से किया है। विद्वानों के अनुसार एब तथा नॉर्मल के संयोग से ही एबनॉर्मल शब्द बना है। एब का अर्थ होता है दूर और नॉर्मल का अर्थ होता है सामान्य। अतः जो सामान्य से दूर है वही असामान्य कहलाता है। आगे हम फिर देखेंगे कि अनियमित व्यवहार से तात्पर्य क्या है कि व्यवहार में एकरूपता नहीं है और यह गुण सिर्फ असामान्य व्यक्तियों में ही पाया जाता है। हम आज दैनिक जीवन में भी, अपने दैनिक जीवन में भी ऐसे व्यक्तियों से मुलाकात होती है जिनका व्यवहार अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा भिन्न होता है। वे अपने विचारों को न तो समझते हैं, स्वयं समझते हैं, और न अन्य व्यक्तियों को समझा पाते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों में समान व्यक्तियों की अपेक्षा सीमित बुद्धि, अस्थिर संवेग, असंगठित व्यक्तित्व, दूषित चरित्र इत्यादि अनेक शील गुण उनमें वर्तमान रहते हैं। इनमें समान व्यक्तियों की अपेक्षा मानसिक एवं शारीरिक दृष्टिकोण से भी काफी अंतर पाया जाता है। अब आगे हम चर्चा करेंगे असामान्य व्यवहार की विशेषताएं के बारे में। अब असामान्य व्यवहार की विशेषताएं कौन कौन सी है, आगे हम यही चर्चा करेंगे। इसके बारे में हम विस्तार से बता रहे हैं। असामान्य मनोविज्ञान के स्वरूप को हमने बढ़िया से देखा, पढ़ा और उसमें उसका अध्ययन करने पर हमें असामान्य व्यवहार की कुछ उसमें से कुछ खास खास विशेषताएं देखने को मिली। जैसे पहला है कि असामान्य मनोविज्ञान की पहली जो विशेषता है, नंबर एक, परिस्थिति के अनुरूप नहीं होता है, नॉट अप्रोप्रिएट टू द सिचुएशन। परिस्थिति के अनुरूप का मतलब होता है कि वह जो नॉर्मल कंडीशन है वह नॉर्मल कंडीशन के विपरीत व्यक्ति व्यवहार करता है। जैसे कोई व्यक्ति सुखद समाचार सुनकर रोता है, दुखद समाचार सुनकर हंसता है, तो निश्चय ही उसका व्यवहार असामान्य है, यह परिस्थिति के अनुरूप नहीं है। दूसरा पॉइंट है सामाजिक कल्याण के लिए हितकर नहीं होना, नॉट हेल्पफुल फॉर द सोशल वेलफेयर। असामान्य व्यवहार की दूसरी विशेषता है यह है कि ऐसे व्यवहारों से समाज की उन्नति नहीं होती है, यहाँ तक कि संकट में पड़े समाज को बचाने का प्रयास भी असामान्य व्यवहार वाले व्यक्ति नहीं कर पाते हैं। तीसरा पॉइंट, स्वयं अपने लिए भी हितकर नहीं होना, नॉट हेल्पफुल फॉर द इंडिविजुअल हिमसेल्फ। असामान्य व्यक्ति की तीसरी विशेषता है कि ऐसे व्यवहार वाले व्यक्ति स्वयं अपनी विभिन्न तरह की आवश्यकताओं के प्रति भी उदासीन रहते हैं। जीवन की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे नौकरी, व्यापार आदि नहीं करते हैं। यदि समाज द्वारा उन्हें सहारा नहीं दिया जाए तो वे बहुत दिनों तक जिंदा भी नहीं रह सकते हैं। अब आगे असामान्य व्यवहार की चौथी विशेषता है आसपास के लोगों के साथ मिलजुल कर नहीं रहना, यानी कि वह बिल्कुल अलग थलग रहते हैं। उनकी असामान्य व्यक्तियों का जो व्यवहार होता है आस पड़ोस के लोगों से, हित मित्र से मिलजुल कर
उनमें रहने की क्षमता का अभाव रहता है। वे उनमें संवेगात्मक अस्थिरता के कारण पड़ोसियों के साथ उनका अपना संबंध बिगाड़ लेते हैं। उनमें कोई संवेदना नहीं होती है। वे मानसिक रोगों के कारण समाज में सफलतापूर्वक अपने को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। पांचवा है विशेषता असामान्य व्यवहार की, सही या गलत का ज्ञान नहीं होता। असामान्य व्यवहार वाले व्यक्तियों को सही या गलत का ज्ञान नहीं रहता है। वो ये असेसमेंट नहीं कर पाते हैं कि कौन सा सही कार्य कर रहे हैं, कौन सा गलत कार्य कर रहे हैं। उनमें इस चीज़ का अभाव रहता है, इसलिए वे उनके सभी कार्य गलत होते हैं। वे सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक नियमों, परंपराओं, नैतिक आदर्शों आदि का सही रूप से पालन कर रहे हैं या नहीं, इसका ज्ञान उन्हें नहीं रहता है। यानी कि सोशल नॉर्म्स भी उनके पास नहीं रहता है। क्या उनका धर्म के प्रति क्या उनका विचार होना चाहिए, सही विचार क्या होना चाहिए, राजनीतिक क्या निर्णय लेना चाहिए, क्या हमारा ट्रेडिशनल परंपरा है, उसके बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं रहता है। छठा पॉइंट है गलत कार्यों के लिए पश्चाताप का अनुभव नहीं करना। यानी कि वह असमान व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपने गलत कार्यों के लिए भी पश्चाताप नहीं करते हैं, वे अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। अब सबसे अंतिम एवं लास्ट है विशेषता इमोशनल एंड अस्टेबिलिटी, संवेगात्मक अस्थिरता। इस विशेषता में व्यक्तियों में संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। इस प्रकार के संवेगात्मक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं जो उस परिस्थिति में नहीं करना था। छोटी छोटी बातों से घबरा कर वे रोने लगते हैं। इसलिए आज ये असामान्य व्यवहार के बारे में हमने विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास किया है। अब हम डिस्कस करेंगे असामान्य मनोविज्ञान के संक्षिप्त इतिहास के बारे में। असामान्य मनोविज्ञान के विकासात्मक इतिहास को 5 मुख्य युगों में विभाजित किया गया है। ये 5 मुख्य युग निम्नलिखित हैं। पहला प्राथमिक युग, दूसरा मध्य युग, तीसरा दैहिक युग, चौथा मनोजात युग और पांचवा मनोदैहिक युग। अब आगे हम प्राथमिक युग के बारे में वर्णन करेंगे कि प्राथमिक युग में असामान्य मनोविज्ञान का संक्षिप्त इतिहास क्या रहा है। तो इस युग के लोग अंधविश्वास, दैवी शक्ति, जादू टोना आदि के पुजारी थे। के स्टीफन ने बताया कि इस युग के लोग समझते थे कि सभी वस्तुओं पर 2 तरह की शक्तियों का शासन रहता है। उन व्यक्तियों को प्रेत शक्ति तथा दैविक शक्ति कहा जाता है। सभी अच्छे। अब आगे का युग है मध्य युग। इस युग में असामान्यता की व्याख्या में यद्यपि अंधविश्वास का हाथ था, फिर भी कुछ ऐसे दार्शनिक एवं चिकित्सक थे जिन्होंने असामान्यता या मानसिक व्याधियों की व्याख्या में अंधविश्वास के महत्व को स्वीकार नहीं किया। जैसे वियर 1518 से 1588 ने इस मत का खुलकर विरोध किया। इसी प्रकार प्लेटर 1566 से 1614 ने भी प्रेत शक्ति को मानसिक व्याधि के कारण स्वीकार नहीं किया। इस दिशा में इस किरोल 1772 से 1840 के कार्यों को बुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने पाइनल के कार्यों को जारी रखा जिसे असामान्य मनोविज्ञान के विकास में बड़ी मदद मिली। 19वीं सदी के प्रारंभ में इंग्लैंड में पाइनल तथा इस किरोल की धारणा का समर्थन किया गया। समर्थकों में क्वेकर तथा विलियम ट्यूब का नाम स्मरणीय है। उन्होंने रोगी के साथ मानवीय व्यवहार पर काफी जोर दिया है। अब अगला एरा है दैहिक। दैहिक युग में दैहिक युग का जब आगमन हुआ तो इसमें अंधविश्वास एवं दैविक शक्ति में विश्वास करते थे उनका जल साफ हो गई।
उनका समापन हो गया और लोग समझने लगे कि मानसिक रोग उतना ही वास्तविक एवं निश्चित है जितना शारीरिक हो, यानी कि लोग समझ गए कि एक प्रकार का डिजीज है, उसको मतलब उससे आगे बढ़े। इसी क्रम में एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है बेंजामिन रस, जिन्होंने 1812 ईस्वी में एक निबंध लिखा। इस निबंध का नाम है आधुनिक मनोचिकित्सा का संकेत। इस निबंध में इस जिसमें आधुनिक मनोचिकित्सा का संकेत मिलता है, जर्मनी में विलियम ग्रेजिंगर ने 1845 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी और उसमें दैहिक दृष्टिकोण का विस्तृत वर्णन किया। उन्होंने बताया कि मस्तिष्क में जब किसी प्रकार का विकार हो जाता है या कोई स्नायु क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उस व्यक्ति में मानसिक व्याधि उत्पन्न होने लगती है और उसका व्यवहार अलौकिक या असामान्य हो जाता है। मानसिक रोग के निदान एवं पूर्वानुमान के लिए लोग उत्सुक हो उठे और इस प्रकार मानसिक रोग का अध्ययन विज्ञान के प्रकाश में होने लगा। किंतु दैहिक आधार पर मानसिक रोग की चिकित्सा करने पर केवल 1% रोगियों को लाभ हो सका। इससे चिकित्सकों की परेशानी बढ़ गई, अनुसंधान होने लगे और जिनसे पता चला कि कुछ रोगी ऐसे भी थे जिनके स्नायु में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं थी। स्नायु विद्वानों के संकेत विद्वानों को यह संकेत मिला कि स्नायु की गड़बड़ी के अतिरिक्त कुछ अन्य मनोवैज्ञानिक कारण भी हैं जिनके कारण व्यक्ति मानसिक व्याधियों से ग्रस्त हो जाता है। इसी परिकल्पना ने मनोजात दृष्टिकोण को जन्म दिया। अब आगे है, अगला पॉइंट है मनोजात युग। मनोजात युग में हम आगे बताएंगे इसके विस्तृत रूप से, इसको मतलब व्याख्या करेंगे कि मनोजात क्या है, मनोजात युग में क्या क्या हुआ, किस तरह उसका विकास हुआ साइकोपैथोलॉजी का। तो मनोजात दृष्टिकोण के विकास में सम्मोहन, जिसको हिप्नोसिस के आविष्कार ने बड़ी मदद की। यूं तो वियना के मेस्मर 1734 से 1815 तथा इंग्लैंड के जेम्स ब्रेड 1795 से 1860 के लेखों में सम्मोहन का संकेत मिलता है, लेकिन 50 वर्षों तक इसकी उपेक्षा होती रही। लेकिन कुछ डॉक्टरों ने इसका उपयोग यदा कदा किया। उनमें फ्रांस के लिवाल्ट 1823 से 1904 तथा बर्नहिम 1840 से 1919 के नाम लिखनी है। उन्होंने अपने अनुसंधान में पाया कि सम्मोहन तथा उन्माद यानी कि हिप्नोसिस एवं हिस्टीरिया में गहरा संबंध है, क्योंकि दोनों संकेत सजेशन की उपज है। आरंभ में शार्को 1825 से 1893 ने इस मत को स्वीकार नहीं किया, लेकिन बाद में इसका समर्थक बन गया और उन्माद की चिकित्सा में सम्मोहन का उपयोग करने लगा। सम्मोहन एक कृत्रिम समाधि की अवस्था है जिसमें रोगी अपनी चेतना खो बैठता है और इतना संकेतशील हो जाता है कि सम्मोहक के प्रत्येक आदेश का पालन करने लगता है। इस अवस्था में रोगी कुछ ऐसी गत स्मृतियों को व्यक्त करने लगता है जिनका ज्ञान उससे सम्मोहित अवस्था के पूर्व या बाद नहीं रहता है। अब अगला युग है पांचवा, लास्ट मनोदैहिक युग, जिसको साइकोसोमैटिक एरा भी कहते हैं। साइकोसोमैटिक एरा तथा साइकोसोमैटिक एरा में दैहिक दृष्टिकोण तथा मनोजात दृष्टिकोण का हम पहले ही इसके बारे में व्याख्या कर चुके हैं। अब आगे है कि इन दोनों दृष्टिकोणों में बहुत दिनों तक आपस में संघर्ष चलता रहा, परंतु यह संघर्ष आज समाप्त हो चुका है। आज मनोवैज्ञानिक चिकित्सक
तथा डॉक्टर इस बात से सहमत हो गए हैं कि कभी कभी शारीरिक रोगों का कारण शारीरिक होता है और कभी कभी शारीरिक रोगों का कारण मनोवैज्ञानिक भी होता है, जैसे पेप्टिक अल्सर, दमा जिसको अस्थमा भी बोलते हैं, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, स्किन डिजीज आदि शारीरिक रोगों के कारण मनोवैज्ञानिक हैं। अतः शारीरिक रोगों को समझने और उनकी चिकित्सा के लिए मनोवैज्ञानिक कारणों का के बारे में जानना आवश्यक है। इस प्रकार कभी कभी मानसिक रोग का कारण शारीरिक और कभी कभी मनोवैज्ञानिक होता है। अतः मानसिक रोगों को समझने तथा उनकी चिकित्सा के लिए शारीरिक कारणों का ज्ञान आवश्यक है। इस संबंध में डॉक्टर कार्ल मैनिंजर ने भी इसका समर्थन किया और कहा कि प्रत्येक विचारवान चिकित्सक जानता है कि मनोवैज्ञानिक तत्व उतने ही वास्तविक एवं प्रभावशील हैं जितने भौतिक एवं रासायनिक तत्व।